नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे, 13 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, ये 14वां टेस्ट है आपका, ठीक है। तो इस चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चंस। मौर्य या मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद तथा गुप्त साम्राज्य के उदय से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख साम्राज्य का उभर कर सामने आए? तो इनमें आया था आपका सातवाहन वंश और आपका कुषाण वंश। क्या है, एक और तीन सही है इसमें, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में शकों के प्रभुत्व का अनुसरण पार्थियन और उसके बाद कुषाणों द्वारा किया गया है। मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद दक्कन में सातवाहन वंश अस्तित्व में आया, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें क्या है, एक और तीन आपका सही है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या करना है विचार? प्राचीन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, गलत है। मध्य एशिया में आए हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक है, सही है। तो इसमें याद रखिए, समुद्र, जो समुद्र गुप्त था, समुद्र गुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन है आपका तीसरा, इसमें क्या होगा, केवल दो सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, गुप्त काल में जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहली बार नागरिक कानून एवं दंड विधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित किया गया, सही है। गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमार मात थे, ये भी सही है। चीनी यात्री फायान ने गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया, ये भी सही है। आपके तीनों कथन सही हैं, यानी कि तीसरे का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका चार, क्या है, निम्नलिखित में किस में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो याद रखना है आपको, हिंद यूनानियों ने, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका पांचवा, क्या है, निम्नलिखित में से चोल काल में सभा की सदस्यता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या थी? तो याद रखना है, पहला कथन है ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जो कर मुक्त हो, ये गलत है। पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य ना रहा हो, ये सही है। उसकी उम्र 25 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए, ये भी गलत है। इसमें केवल दो कथन सही है आपका। याद रखना है आपको, प्रत्येक ब्रह्मा देव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले कि उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। सभा की समितियों के लिए सदस्यता के लिए जरूरी क्या क्या होता था? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को
ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। याद रखना, जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। याद रखना, उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। ठीक है, जिसने अपने अपने संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो इसमें क्या होगा, केवल दो कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 6वां, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। चेर राजवंश एक द्रविड़ तमिल राजवंश था, सही है। चोल साम्राज्य में सूती वस्त्र उद्योग उन्नत था, ये भी सही है। पांडव राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे, ये भी सही है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, तीनों कथन सही हैं आपके। क्वेश्चन है आपका 7, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सातवाहन राजकुल मातृसत्तात्मक था, गलत है। ब्राह्मणों की को भूमि अनुदान देने वाले पहले शासक हुए सातवाहन, सही है ये। इसमें आपका दूसरा है, नाम के आगे माता का नाम लगाने से सातवाहन राजकुल के मातृसत्तात्मक होने का आभास मिलता है, लेकिन वास्तव में सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक ही था क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी उसका पुत्री होता था। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा कथन सही था केवल। क्वेश्चन है 8वां, क्या है 8, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेखों में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारियां दी गई हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, सही है। अशोक का 27वां शासन वर्ष, सही है। जहांगीर का वंश वृक्ष, ये भी सही है। तो इसमें होगा 8 में आपका डी ऑप्शन, क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 9, क्वेश्चन 9, गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हैं। हूणों का आक्रमण, सामंतों का उदय, भूमि अनुदान देने की बढ़ती प्रथा, विदेशी व्यापारियों में व्यापार में कमी। चारों कथन आपके सही हैं। ठीक है, 9 का आपका डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 10, क्या है क्वेश्चन 10, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। सातवाहनों ने बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की, सही है। सातवाहनों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, ये आपका गलत है, केवल एक कथन इसमें सही है। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने विजय ब्राह्मणवाद के मार्च का प्रतिनिधित्व किया। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की। उन्हें दी गई खेती और गांवों को शाही पुलिसकर्मियों, सैनिकों और अन्य शाही अधिकारियों के वलात प्रवेश से मुक्त घोषित कर दिया गया, इसलिए यह क्षेत्र सातवाहन साम्राज्य के भीतर छोटे स्वतंत्र द्वीप बनकर उभरे। सामान्यतः उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए जो दक्कन में पाए गए। उन्होंने पोटिन तांबा और कांस की मुद्राएं भी जारी की थी सातवाहनों ने। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 11, क्या है क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने नौसैनिक अभियान को अंजाम दिया और सीलोन एवं मालदीव द्वीपों पर हमला किया। तो याद रखना, राजराज प्रथम चोल ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 12, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित यगमों पर हमें विचार करना है। इसमें सही देखना है, तो मंडलम आपका प्रांत है, सही है।
बल नाडू जिला गलत है, नाडू गांव ये भी गलत है। इसमें केवल आपका एक कथन सही है, लेकिन साम्राज्य जो मंडलम होते थे या फिर प्रांतों प्रांत होते थे, साम्राज्यों की रियासतें जागीरदार प्रमुख के अधीन और मंडलम वायसराय जो अधिकांशतः शाही राजकुमार होते थे के अधीन प्रांत में बटा गए थे। प्रांतों की वल नाडू डिवीजन नाडू जिला कुर्रम गांव, तो नाडू आपका जिला होता था ठीक है, और जो वल नाडू था ये डिवीजन था प्रांतों का डिवीजन, और कुर्रम आपका गांव होता था ठीक है। इसमें केवल एक आपका सही था। क्वेश्चन है आपका 13, क्या है क्वेश्चन? रामानुज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया, सही है। इन्हें वैष्णववाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। ब्रह्म सूत्रों में पर उनकी टिप्पणियां श्रीभाष्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये भी सही है। तो 13 में आपका डी होगा, क्या होगा? तीनों कथन सही है ठीक है। क्वेश्चन है आपका 14, क्या है 14? दक्षिण भारतीय गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। गांव के मामलों में शाही अधिकारियों की भूमिका प्रशासकों के बजाय सलाहकारों और पर्यवेक्षकों के रूप में अधिक थी, सही है। अग्रहार ऐसे गांव थे जहां कई जातियों के लोग रहते थे, राजा को भूमि राजस्व के रूप में कर अदा करते थे, ये आपका गलत है। क्या है? गलत है। देवदान ऐसे गांव थे जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए थे और पूर्ण रूप से उन्हें उन्हीं के द्वारा वासित थे, ये भी गलत है। इसमें एक कथन केवल सही है। दक्षिण भारत में लगातार राजनीतिक परिवर्तन के बीच जो संगठन जीवन और परंपरा की निरंतरता के लिए जिम्मेदार था वह गांव था। इस संगठन का महत्व दक्षिण भारत में पाए जाने वाले बहुत से अभिलेखों में सत्यापित है। दक्षिण भारतीय गांव को बड़े स्तर पर स्वायत्तता प्रदान थी। गांव के मामलों में शाही अधिकारियों की भूमिका प्रशासकों की बजाय सलाहकारों और पर्यवेक्षकों के रूप में अधिक थी। ब्रह्मादेव या अग्रहार गांव ऐसे गांव थे जो ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे। शुरुआती दौर में वे ही यहाँ की पूरी तरह निवास थे। ये गांव प्रथम प्रकार के गांव की तुलना में अधिक समृद्ध होते थे क्योंकि इनमें कर अदायगी की छूट प्राप्त थी। देवदार कौन सा? देवदान ऐसे गांव होते थे जिन्हें भगवान को दान में दिया गया था, ठीक। ये आमतौर पर प्रथम प्रकार के गांव की तरह ही कार्य करते थे। अंतर केवल यह था कि इन गांवों से एकत्रित होने वाला राजस्व को राज्य के बजाय मंदिर के अधिकारियों को सौंपा जाता था, ठीक। तो इसमें 14 में आपका केवल एक कथन सही था, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 15, क्वेश्चन क्या है 15? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति मोहम्मद गौरी की विजयों का कारण हुई थी, सही है। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उसके विश्वसनीय मामलुक पूर्वदास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक स्वतंत्र वंश की स्थापना कर दी, ये भी सही है। तो इसमें आपका 15 में सी होगा, दोनों कथन सही है ठीक है। क्वेश्चन है आपका 16, क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। वह एक नए धर्म की स्थापना करके पैगंबर मोहम्मद से आगे निकलना चाहता था, सही है। उसने शराब और नशीले पदार्थों की सार्वजनिक बिक्री को पूरी तरह से रोकने के लिए एक अध्यादेश पारित किया, ये भी सही है। उसने कर मुक्त भूमि के सभी अनुदानों को जब्त कर लिया और मुस्लिम धार्मिक चंदे रोक दिए, ये भी सही है। तो 16 में आपका तीनों कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, 16 का डी। क्वेश्चन है आपका 17, क्या है क्वेश्चन?
सूर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सिकदार ए सिक दारान, यह आपका कानून व्यवस्था का प्रभारी सही है। मुंशे के मुंशीफान, घरेलू राजस्व का प्रभारी ये सही है। कासह विश्राम गृह ये गलत है। ठीक है, क्या है ये गलत है। तो इसमें क्या होगा, एक और दो सही था, बी ऑप्शन सही था। ठीक है, जो विश्राम गृहों का निर्माण व्यापारियों और यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे सराय या विश्राम गृहों का निर्माण किया जाता था, और जो कसह होते थे या बाजार कस्बों का निर्माण होता था, समाज चार सेवा के लिए सरायों का निर्माण होता था। क्वेश्चन है आपका 18, क्या है 18, विज्ञानी और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कम प्रदूषणकारी पटाखों या हरित पटाखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इनमें एल्यूमिनियम को अल्प प्रदूषण बेरियम और इसके यौगिकों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, गलत है। इसमें प्रयुक्त होने वाला वैकल्पिक कच्चा माल न केवल अल्प प्रदूषक है बल्कि सस्ता भी है, सही है। इसमें केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, विज्ञानकों ने शिवकाशी में स्थित एक कंपनी के साथ मिलकर काम करते हुए आतिशबाजी उत्पादकों के लिए संशोधित रासायनिक फॉर्मूलेशन विकसित किए ताकि वे सामान्य तपिदूषण एल्यूमिनियम और बोरियम की बजाय मैग्नीशियम, याद रखिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम पर आधारित यौगिकों के प्रयोग से पटाखों को कम प्रदूषणकारी बना सकें, क्या मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं मैग्नीशियम। ठीक है, क्वेश्चन होगा इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, केवल दो कथन सही था 18 में बी। क्वेश्चन है 19, अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही कथन देखना है इसमें। यह उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते का स्थान लेगा, सही है। यह नया समझौता व्यापार अवैध प्रवासन और सीमा प्रबंधन के को दायरे में लेने वाला एक व्यापारी व्यापक समझौता है, ये गलत है। इसमें केवल एक कथन आपका सही है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नए व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप दिया है। यह समझौता 1 जनवरी 2020 से लागू होगा हो गया। इस समझौते में अवैध प्रवासन या सीमा प्रबंधन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 20, क्या है, भारतीय मानक समय और भारत की भौगोलिक सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विधिक मापन विज्ञान अधिनियम 2009 ने IST को भारत का विधिमान समय निर्धारित किया है, यह गलत है। IST को CSIR NPL द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, ये सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है जिसके कारण वह सूर्य पूर्व में पश्चिम की तुलना में 3 घंटे पहले अस्त हो जाता है, ये भी आपका गलत है। इसमें केवल दो कथन सही है। ठीक है, भारत का विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 वजन और मापकों के मानकों को लागू करने का प्रावधान करता है और इन मापकों पर आधारित व्यापार का नियमन करता है। इसका देश के विधिमान समय के रूप में IST को मान्यता देने से कोई संबंध नहीं है इसका। ठीक है, याद रखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 अंश का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, इस प्रकार यह 15 अंश का एक चक्र पूरा करने में 1 घंटा लगाती है। भारत का अनुदैर्ध्य विस्तार
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है, अर्थात 30 डिग्री का विस्तार है। इस प्रकार पूर्व पश्चिम में सूर्यास्त के बीच का समय लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, ना कि 3। ठीक है, क्वेश्चन है 21। क्या है क्वेश्चन है 21। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगला करने हेतु प्रस्ताव पारित किया है। राज्य का नाम बदलने के लिए संविधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इस तरह कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है, गलत है। इस तरह के कानून को संविधानिक संशोधन विधेयक माना जाता है क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है, ये भी आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन आपका सही था, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। याद रखना अनुच्छेद 3 के तहत संसद, ठीक है। उपयुक्त में से कोई कानून कानून अनुच्छेद 368 के उद्देश्य से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसमें एक कथन आपका सही था। क्वेश्चन है आपका 22। क्या है क्वेश्चन है आपका 22। विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिकारी उपाय को सबसे स्पष्ट वर्णित करता है? तो याद रखना इसमें होगा आपका बी। एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध किया गया वह उपाय जब दूसरे देश ने अपने घरेलू उद्योगों में से किसी को अवैध रूप से सब्सिडी दी हो। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 23 अगला। क्या है क्वेश्चन 23? क्या है तरंग पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, गलत। मेट्रो शहर में स्थापित मोबाइल टावरों की जानकारी रखने के लिए इसे शुरू किया गया है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। दोनों कथन आपके गलत हैं। मोबाइल ऐप वेब पोर्टल को ऊर्जा मंत्रालय के मार्गदर्शन में RECTPCL, याद रखना मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल तरंग संचार को ऊर्जा मंत्रालय के मार्गदर्शन में RECTPCL द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और ये तरंग संचार एक शक्तिशाली निगरानी उपकरण है जो आने वाली संचरण परियोजनाओं की जानकारी रखता है और देश में अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक संचार प्रणाली की प्रगति की निगरानी करता है, जिसे विनियमित शुल्क तंत्र के साथ साथ शुल्क दर आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा मार्ग के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके 23 में दोनों कथन गलत थे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 24। पद टैग ट्रैक 10 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा वार्षिक बजट का 10% निर्धारित करना, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 25। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मेगा फूड पार्क योजना की एक उपयोजना है, गलत है। इसका उद्देश्य अपव्यय को कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, खाद्य प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना, ये सही है। इसमें केवल दो कथन सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक समग्र परियोजना है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, याद रखना क्या, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा जारी लागू की गई है। मेगा फूड पार्क योजना इस योजना के अंतर्गत एक उपयोजना है, ठीक है। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा।
तो ये थे आपके 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे।